Hello everyone, and I again welcome you all in another session of Medication Associated with Micro to Remain Micro series. So in this video we'll be talking for the lab diagnosis of bacteria. See, actually lab diagnosis of bacteria is a topic of general microbiology, but then we have not discussed it in general microbiology because it is not very important as per as short answer or your long answer questions, right? But this is very important because whenever you will sit and write the lab diagnosis of any bacteria, you must have the overview of what is to be written, right? So in today's session we'll be discussing like how we are going to proceed and one topic from it. ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेसिमन कलेक्शन. देखो, कभी भी आपने किसी का भी लैब डायग्नोसिस करना है, यू नीड अ स्पेसिमन. तो स्पेसिमन कलेक्शन, देन कम्स डायरेक्ट डिटेक्शन. अब डायरेक्ट डिटेक्शन क्या होती है? जैसे आपने बैक्टीरिया लाए, उस पर आपने स्टेन लगाया, स्टेन लगाने के बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. ठीक है, तो स्टेनिंग इज वन सच थिंग, माइक्रोस्कोपी इज अनदर सच थिंग. ठीक है, उसके बाद दो चीज़ें क्या होती हैं? एंटीजन डिटेक्शन एंड मॉलिकुलर डायग्नोसिस. एंटीजन डिटेक्शन का क्या मतलब है यार? एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे. ठीक है, ये एलाइजा की जो टेक्निक होती है ना, इससे आपको एंटीजन के बारे में पता लगता है. डोंट वरी, ये टॉपिक भी मैं इस सीरीज के अंदर कवर करूंगा. ठीक है, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. मॉलिक्यूल मतलब आरएनए, डीएनए, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं. इनका डिटेक्शन करने से भी हमें पता लगता है कि बैक्टीरिया है या नहीं. ठीक है, तो स्टेनिंग करके आप माइक्रोस्कोपी में देखो, या फिर एंटीजेनिक डिटेक्शन. एंटीजेनिक डिटेक्शन मतलब जैसे मान लो कोविड है. ठीक है, अब कोविड के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं, तो अगर हमें उसके स्पाइक प्रोटीन का एंटीजन मिल गया, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन मिल गया, तो हम कहेंगे कि एंटीजन हैज बीन डिटेक्टेड. तो आप कैसे देखते हो? एलाइजा से देखते हो. ठीक है, एंड देन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. डीएनए मिलते हैं, आरएनए मिलते हैं, ठीक है, तो उससे फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है. ठीक है, डिटेल में हम एक एक इनको पढ़ेंगे. ठीक है, समझ में आ गया? जैसे माइक्रोस्कोपी है तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या है, देन लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो माइक्रोस्कोपी हम डिटेल में नहीं करेंगे, स्टेनिंग हम डिटेल में करेंगे, एंटीजन डिटेक्शन हम डिटेल में करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हम डिटेल में करेंगे. वैसे ये इम्यूनोलॉजी के टॉपिक हैं, जहाँ पर आप एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन देखते हो. ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन देखते हो, लेकिन उसको हम लोग जनरल माइक्रोबायोलॉजी से लिंक करके पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज आर कल्चर. ठीक है, कल्चर. अब देखो भाई, ऐसा है, जब एक बच्चा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ रहा है तो कल्चर वल्चर उसको कुछ पता नहीं होता. उसको डब्बियाँ दिखती हैं प्रैक्टिकल हॉल में, है ना, टेस्ट ट्यूब्स दिखती हैं, डब्बियाँ दिखती हैं, तो वही सब चीज़ें जो होती हैं उनको हम कल्चर मीडिया, कल्चर मेथड एंड कल्चर आइडेंटिफिकेशन में पढ़ते हैं. ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को आप ग्रो कराते हो एक मीडियम के अंदर, उसको आप बोलते हो कल्चर मीडिया. क्या प्रोसीजर है उसको ग्रो कराने का? ठीक है, जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया आपने लिया, वो एनारोबिक है, तो वो हर कल्चर मीडिया में तो ग्रो नहीं करेगा. उसको कैसा कल्चर मीडिया चाहिए रहेगा? एनारोबिक. तो ये मेथड है. ठीक है, एरोबिक के अलग हैं, एनारोबिक के अलग हैं, लॉन कल्चर होता है, ब्ला ब्ला, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे एक एक करके इन कल्चर मेथड. एंड देन इज आर कल्चर आइडेंटिफिकेशन. अब भाई, एक बैक्टीरिया अगर इस कल्चर में मैंने डाला तो वो इस तरीके से ग्रो करता है, तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि ये वही बैक्टीरिया है. तो दैट पार्ट विल कवर इन कल्चर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, लास्ट इज आर एएसटी, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग. राइट डाउन, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग. मतलब क्या रहता है कि भाई, अब मान लो मुझे पता लग गया कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया कहीं ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है, तो हम उसमें ड्रग्स डाल के देखते हैं. ठीक है, अगर वो मरने लग जाता है तो हम बोलते हैं कि सेंसिटिव है, मरने नहीं लगता तो रेजिस्टेंट है, बट डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो विल डिस्कस सम पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर प्रैक्टिकल्स. ओके, तो हम देखो, बहुत ध्यान से इस बात को समझो, ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा ना, इनके सीक्वेंस वगैरह भी याद मत कर लेना, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू राइट अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और अ एलएक्यू. यू आर जस्ट सपोज टू लर्न देम फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एंड रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली, राइट? नाउ स्पेसिमेन कलेक्शन.
अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने जितना बताया उसका एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन, देन स्टेनिंग करो, माइक्रोस्कोप में देखो, एंटीजेनिक डिटेक्शन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कल्चर मीडिया, कल्चर मेथड, लास्ट इज कल्चर आइडेंटिफिकेशन एंड देन एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो अब हम स्पेसिमेन कलेक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए ना, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हाउ मच ब्लड इज रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, है ना, कि आपने बोला कि सर ये इस बंदे को एंडोकार्डाइटिस है, तो एग्जामिनर पूछेगा अच्छा अगर एंडोकार्डाइटिस है तो आपने इनका कितना सैंपल कलेक्ट किया था। उसके लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंडोकार्डाइटिस में ब्लड सैंपल लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ वीडियो ऑन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट। एंडोकार्डाइटिस के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 2 ml ब्लड लेते हैं पर इन्वेस्टिंग, सॉरी 8-10 ml ऑफ ब्लड लेते हैं। ठीक है, बट कोई भी सीरोलॉजिकल टेस्ट करना है, ठीक है, कोई भी सीरोलॉजिकल, सीरोलॉजी मीन्स सीरम लॉजी, दैट मीन्स ब्लड इन्वेस्टिगेशन और स्टडी ऑफ सीरम। ओके, तो सीरोलॉजी के लिए हम लोग 2 ml ब्लड लेते हैं पर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर ये पता होना चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट, यस, सम स्पेसिमेंस रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रांसपोर्ट लाइक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, यूरिन सैंपल कभी भी अगर आपने लिया तो आपको याद रखना चाहिए दैट इट शुड बी अ मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन मतलब क्या होता है कि आपने यूरिन पास करना शुरू किया तो उस टाइम का जो यूरिन सैंपल होगा उसमें तो कॉमन सेल्स रहेंगे ना, नॉर्मल फ्लोरा जो कि आपके यूरेथ्रा पे ग्रो करता है वो उसमें आ जाएगा, तो आपको वो स्पेसिमन नहीं लेना है। सम अमाउंट ऑफ यूरिन विच हैज़ बीन पीड ऑफ, उसके बाद का जो मिड स्ट्रीम यूरिन है वो आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव क्या डालना है, देखो बोरिक एसिड यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, बोरिक एसिड, सी अदरवाइज द यूरिन सैंपल इज एक्सेप्टेबल ओनली फॉर 2 hours, बट इफ यू हैव केप्ट इट इन बोरिक एसिड इट इज एक्सेप्टेबल फॉर 24 hours। ठीक है, स्टूल कल्चर में यू यूज अ मीडियम नोन एज कैरी ब्लेयर मीडिया, कैरी ब्लेयर मीडिया, अदरवाइज स्टूल कल्चर इज एक्सेप्टेबल ओनली फॉर 1 hour, बट इफ यू आर एडिंग कैरी ब्लेयर मीडिया इट इज अगेन एक्सेप्टेबल फॉर 24 hours। ठीक है, सो स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर मेन जो चीज़ें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ये हैं, अदरवाइज सिंपल चीज़ें यार आपसे वो लोग पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब टीबी जब आप पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो टीबी के अंदर कौन सा स्पेसिमेन कलेक्ट करोगे, स्पूटम सैंपल। ठीक है, तो ये सब हम लोग वहाँ पर लिखते रहेंगे। ओके, सो फॉर दिस वीडियो आई एंड अप हेयर एंड आर चैनल हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद name of micro to remain micro, but then now we will add some other subject videos also, that is why name now has been changed to Meducation. नया नाम है, नया अवतार है, नए प्यार की हम कामना कर रहे हैं आपसे, and yes I hope that you will like, comment, share and join our telegram channel also, link of which will be surely provided in description box. Thank you so much for